अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, तो इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, डीएलएड 2023 काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस समय की बड़ी अपडेट आ रही है आपके सामने, एक नोटिस को जारी किया गया है। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। 31 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा, एक बात याद कर लीजिए, अब इसके बाद तारीख नहीं बढ़ेगी। वेबसाइट स्लो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रात में प्रयास करिए, रात में नहीं हो रहा दिन में कोशिश करिए, लेकिन करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको डीएलएड में एडमिशन मिले 2023 में, बीटीसी अगर आप करना चाहते हैं, तो ये दोस्त एक बड़ी खबर अब आपके सामने आ रही है। आपको बता दें, सबसे पहले दोस्तों 12 सितंबर को स्टेट रैंक हमारी जारी की जाएगी। स्टेट रैंक आपकी दिखती कहती है, कुछ ऐसा शो होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग की रैंक 2.5 लाख के आसपास आएगी, तो मतलब जिन बच्चों की मेरिट 182 के आसपास है, उनकी रैंक 2.5 लाख के आसपास हो सकती है, ठीक है? उसके बाद देखिए आगे का क्या प्रोसेस है। दिनांक 15 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर 2023 तक अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्पों के क्रम में एनआईसी लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग का प्रथम चरण होगा, ठीक है ना? कब से कब तक है दोस्तों, डेट जरा ध्यान रखिए, 15 सितंबर से लेके कब तक है, 6 अक्टूबर तक, ठीक है? इसके बाद दोस्तों क्या होगा, जो दूसरा चरण आएगा वो 17 अक्टूबर तक रहने वाला है, ठीक है ना? जो भी सीटें खाली रहेंगे उसके बाद ये प्रोसेस है, ठीक है? उसके बाद जब सीटें और बच जाती है तो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस आता है। लेकिन याद रखिएगा, डायरेक्ट एडमिशन आप तभी करा पाएंगे जब आप लोग का ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। जी हाँ दोस्तों, जनरल कैटेगरी और हमारी ओबीसी कैटेगरी में जो फीस पेमेंट करनी है या ईडब्ल्यूएस में करनी है, वो 700 रुपये लग रहा है फॉर्म भरने के लिए। एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी में दोस्तों 500 रुपये लग रहा है, बाकी 200 रुपये लग रहा है विकलांग या फिजिकल हैंडीकैप में, ठीक है ना? तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, डीएलएड छात्रों ने एनसीटी नई दिल्ली को क्या किया है, लिखा है एक विषय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11/8/2023 के उपरांत पीआरटी 1 से 5 योग्यता के लिए ऑफिशियल दिशा निर्देश जारी करने हेतु। जी हाँ दोस्तों, जल्द से जल्द यहाँ से दिशा निर्देश आए, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती वाला मामला फंस रहा है। देखिए, जो नई भर्ती आएगी वहां पर सीधे तौर पर बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया गया है, लेकिन जो पुरानी वैकेंसी चल रही है उसमें थोड़ा मामला है, इसलिए यहाँ पर एक पत्र लिखा गया है। ये दोस्तों आप लोग की मेरिट कुछ ऐसी रहने वाली है। देखिए, अब आप लोग अपनी मेरिट डीएलएड रैंक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, आज हमने एक वीडियो भी बनाया था सुबह। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सुबह सुबह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके देखा भी था, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास हमारा होगा तो कोई दिक्कत होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? बाकी वेबसाइट नहीं चल रही तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? 12 सितंबर को स्टेट रैंक जारी किया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है 15 सितंबर से शुरू होगी काउंसलिंग। पश्चिम बंगाल से बन रही है बीएड की फर्जी डिग्री, शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, कहाँ कहाँ से बीएड की फर्जी डिग्री सामने आ रही है, एक बात और ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, सरकारी या डाइट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहने वाली है, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप, पहली रैंक लिस्ट कब जारी होगी, 12 सितंबर को, ठीक है? डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, कौन कौन से विषय आपको पढ़ने पड़ते हैं। पहले सेमेस्टर में टोटल 8 सब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा। एडमिशन लेने से पहले भी हम आपको बता देते, नहीं तो बाद में कहेंगे सर जी तो बहुत कठिन था। देखिए, अगर आप प्राइमरी लेवल पर टीचर बनना चाहते हैं 1 से 5 क्लास के लिए, तो आपको डीएलएड बीटीसी करना अब अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन एक बात और आपको बता दें, जो ये दोस्तों सिलेबस होता है डीएलएड बीटीसी का, वो प्राइमरी लेवल का ही होता है। मैक्सिमम जो सिलेबस रहेगा वो 6 से 8 क्लास तक, उससे ऊपर नहीं रहता। डीएलएड करके कैसे मिलती है सरकारी नौकरी, देखिए दोस्तों, 2 साल का आप डीएलएड का कोर्स करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यूपी टेट, ठीक है, या सी टेट का कोई एग्जाम पास करना पड़ेगा। ये जब पास कर लेंगे उसके बाद हम सुपर टेट का पेपर दे पाएंगे। इसके आधार पर दोस्तों एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है, तब जाकर आपको नौकरी मिलती है। प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने नंबर चाहिए, प्राइवेट कॉलेज तो हम कह रहे हैं दोस्तों आपको 170 में भी मिल जाना चाहिए, 170 से भी ज़्यादा है। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, लेकिन एक बात और आपको आज बता दें, अगर आप लोग किसी दूसरे जिले से जाकर डीएलएड करना चाहते हैं, जैसे मान लेते कि आप लोग कहीं पर भी रहते हो, आप सोच रहे चलो अपने पड़ोसी जिले से हम डीएलएड कर लें, बीटीसी कर लें, यहाँ पर एक रूल होता है, आप लोग का जो सेमेस्टर होता है वो कितने महीने का होता है, 6 महीने का होता है।
छः छः महीने का टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, तो जब आप 205 महीने पहले क्लासेस कर लें तो जो छठा महीना होता है उसमें 1 मंथ की 1 मंथ की टीचिंग लगती है। अब 200 टीचिंग का रूल ये है, अगर मान लेते कि आप लोग वाराणसी से डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग की जो टीचिंग लगेगी वो वाराणसी में ही लगेगी। आगरा से डीएलएड करें तो आगरा में, आप रहने वाले जैसे लखनऊ के हैं और आपने सोचा चलो आगरा से एडमिशन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो ये टीचिंग वाला एक मैटर फंसता है। टीचिंग 100 नंबर का होता है, और टीचिंग के लिए क्या होता है, कभी कभी कॉलेज वाले कहते हैं कि आप लोग जाइए अपने प्राथमिक स्कूल से जो भी विद्यालय आपको अलॉट होगा, और देखिए विद्यालय वही आपको मिलता है जो आप उसका नाम देते हैं, अपने मन से कोई विद्यालय नहीं मिलता, ठीक है, ये बात हो गई। अपना कट ऑफ कैसे निकालें, जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोग डीएलएड बीटीसी एडमिशन लेने वाले कट ऑफ कैसे निकालें वो बताएंगे। क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर दोस्तों सिर्फ मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है, इसलिए बहुत से बच्चे डीएलएड को पसंद करते हैं। अब बीएड में आप इतनी मेहनत करके एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, आवेदन करने की अंतिम तारीख क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें, आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है वो 31 अगस्त है, ठीक है, हर जिले की कट ऑफ अलग अलग जाएगी। जी हाँ, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा, प्रयागराज की कट ऑफ अलग जाएगी और लखनऊ की कट ऑफ अलग जाने वाली है, आगरा की कट ऑफ अलग जाने वाली है, तो हर एक जिले की कट ऑफ अलग अलग रहेगी। हजारों बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, जाने क्यों? क्या दोस्त ऐसे बच्चे गलती करते हैं जिस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट होता है? सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि फॉर्म भरते समय, देखिए हो क्या रहा ना, इस बार बहुत से बच्चे फॉर्म भरते समय गलतियां कर रहे हैं। एक तो वेबसाइट चल नहीं रही है, ठीक है, वेबसाइट स्लो स्लो चल रही है, और जल्दबाजी में जब बच्चे फॉर्म भर रहे तो कभी कभी हो रहा है कि वो अपना जिला ही गलत भर दिए, अपना दोस्तों जो उनका मार्कशीट नंबर है वो गलत कर दिए, पिताजी का नाम है माताजी के नाम में गलती कर दी, अपने नाम में बच्चे गलती नहीं करते हैं। एक बात बताते हैं आपको, अपना नाम बच्चा 2 बार देखता है लेकिन और लोगों का नाम जल्दी जल्दी टाइप हो गया, ठीक है ना, तो ये सब गलतियां नहीं करनी है आपको, कोई भी करेक्शन का मौका आपको नहीं मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पर शेड्यूल क्या है, 2 सितंबर तक दोस्तों आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं, लेकिन 31 अगस्त तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया फिर ये 2 सितंबर तक आप पहुंचेंगे ही नहीं। उसके बाद दोस्तों आवेदन पूर्ण कर प्रिंट लेने की जो अंतिम तिथि वो 5 सितंबर है, ठीक है ना, शिक्षक दिवस तक आप लोग आवेदन पूर्ण करेंगे, या जैसे मान लेते कि आपने 2 तारीख तक पेमेंट कटवा दी, उसके बाद देखिए 2 तारीख के बाद वही बच्चे बचेंगे जिन बच्चों का सिर्फ आवेदन कंप्लीट करना है, मतलब ना तो कोई नया रजिस्ट्रेशन होगा ना कुछ, तो वेबसाइट अपने आप ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। और जो शुरू में आप सोच रहे होंगे यार कि पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन उस समय क्या था ना कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया था, इस बार वेबसाइट पिछली बार से थोड़ा सा ठीक है, ज्यादा नहीं कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, भर लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। सभी ने निवेदन है कि पूर्वक अंकित करना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बिहार में विज्ञापन संख्या 26 देश में बीएड वालों का परीक्षा ले लिया गया, लेकिन अब रिजल्ट और डीवी का समय आने वाला है, इसलिए अब आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि पीआरटी के लिए आदेश जारी में सिर्फ डीएलएड वालों को नियुक्ति हो, इसके लिए एनसीटी के द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी करने की कृपा किया जाए, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों समस्त बिहार डीएलएड के अभ्यर्थी, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बच्चे डीएलएड बीटीसी के वो पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं, तो ताकत और अच्छी डीएलएड में तब बनेगी जब आप लोग का एडमिशन होगा। जी हाँ दोस्तों, लाखों बच्चे एक बार स्वागत होगा, 2 लाख से ज्यादा बच्चे सर डीएलएड में एडमिशन लेंगे, 2 लाख से ज्यादा बच्चे, ठीक है, बीएड कोई नहीं पूछ रहे हैं। एक बात और, अगर आप लोग डीएलएड कर रहे हैं यूपी में, ध्यान रखिए ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हो, काफी बच्चे यूपी के बाहर के डीएलएड में आवेदन करें, ध्यान दीजिए, नहीं तो पैसा क्यों बर्बाद करना। और एक बात और, अगर दोस्तों आवेदन करने के अंतिम निर्धारित तिथि तक आपका जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है तब तो ठीक है, नहीं आता तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर आपको नहीं दिया जाएगा, ये दोस्तों गाइडलाइंस थी, ये सब चीजें देखिए ध्यान रखा करिए। चलिए दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ हम लोग अब चलते हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारे पास क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। सर टाइम आप ही बता दो, दिन भर भर रहे हैं, अरे फॉर्म ही नहीं भर रहा है। देखिए सभी बच्चे का ये कमेंट आ रहा है कि सर फॉर्म नहीं भर पा रहे, क्या किया जाए, कोई समय बताइए, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम फॉरगेट भी रजिस्ट्रेशन नंबर करें तो भी नहीं आ रहा है, देखिए ये आना चाहिए, हमने खुद ही प्रूफ के साथ आपके सामने वीडियो बनाई थी। सर क्या मैं आईटीआई और बीटीसी साथ में कर सकता हूँ? देखिए एक बात आपको बता दें, 2 कोर्सेस एक साथ रेगुलर नहीं किया जा सकता, अगर आप करते हैं, अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो फिर आप दिक्कत में आएंगे, बाकी चोरी छिपे जो हो जा रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन किसी ने कंप्लेन की तो आप पकड़े जाएंगे। सर साइट नहीं चल रही? जी हाँ दोस्तों, बीच बीच में वेबसाइट चल रही है, आपको बताना चाहेंगे, रात 2 बजे भी नहीं चल रहा था,
ठीक है, देखते हैं कोई और बच्चा कमेंट क्या करता है। फॉरगेट करने के बाद नॉट फाउंड बता रहा है। तो देखिए नॉट फाउंड मतलब ये होता है कि आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, नाम भरने में, माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर, कुछ भी छोटी सी गलती होगी तो ऐसा आता है। थैंक यू सर, देखिए बच्चे यहाँ पर थैंक यू लिख रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, पेमेंट भी हो गया, लेकिन सबमिट नहीं हो रहा है। चलिए होगा, थोड़ा सा कोशिश करिए। थर्ड स्टेप फिल नहीं हो रहा है। हेलो, देखिए मैसेज यहाँ आ जा रहा है, हेलो कभी आ रहा है। सर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा है फोन नंबर पर। देखिए आपको फॉरगेट करना पड़ेगा, एक बार आवेदन आपने कर लिया, सब कुछ कंप्लीट है, दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं, तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर करिए आ जाएगा। ठीक है ना, सबका दोस्त अलग अलग, यहाँ पर दिक्कत आपके सामने आ रही है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, 3 दिनों के प्रयास से आज मेरा कंप्लीट हुआ। भाई लोग आज रात के 1 बजे से 4 बजे के बीच भरो, भर जाएगा फॉर्म, थोड़ा सा टाइम देना होगा, मेरा आज 3 बजे हुआ है। जी हाँ दोस्त, ये बात सही है, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। एक बच्चा कमेंट करता है, भाई 1 बजे तक तो नहीं हुआ था, रात 2 बजे से 4 बजे के बीच ट्राई करें, हो जाएगा सभी का। ठीक है ना, ये सब दोस्तों बातें हैं, आप लोग कोशिश करेंगे आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आते, ये रही दोस्तों, देख सकते हैं समय 28 अगस्त दिन है सोमवार का, 1 बजे का है समय। तो दोस्तों वीडियो के अंत में बात कर ली जाए कि कट ऑफ हमारी क्या जा सकती है सरकारी कॉलेज के लिए। काफी बच्चे देखिए सरकारी कॉलेज से ही BTC में एडमिशन लेना चाहते हैं। सरकारी कॉलेज में जो फीस होती है 1 साल की 10,200 रुपये होती है, प्राइवेट कॉलेज में 41,000 होती है। सोचिए प्राइवेट कॉलेज की फीस सरकारी से 4 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, तो सरकारी कॉलेज पाने के लिए जो बच्चे जनरल कैटेगरी से 235 से ज्यादा नंबर चाहिए, EWS OBC में 220 से ज्यादा, SC कैटेगरी में 210 से ज्यादा, ST में 200 से ज्यादा, फिजिकल हैंडीकैप में भी 200 से ज्यादा। एक बात और आपको बता दी, मिनिमम बोल रहे हैं, जनरल के कट ऑफ जा सकती है दोस्तों 235 से लेकर 270 नंबर तक। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से आवेदन हो रहा है कट ऑफ, आप कम मत समझिएगा, कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा जा सकती है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।